बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस एट द प्लेटफॉर्म ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हमने देखा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंटेन्स थ्री बेसिक पार्ट, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। और वन बाय वन हमने इनके एनाटॉमी को देखने, सबसे पहले हमने एनाटॉमी जो ओवरव्यू ऑफ एनाटॉमी देखना स्टार्ट किया था हार्ट का। हार्ट के बारे में मैंने आप लोगों को कल थोड़ा बहुत बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। इसमें आप लोगों ने जो पॉइंट्स कवर करने हैं, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, लोकेशन इन बॉडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। सबसे पहले हमने अगर डेफिनेशन देखी थी तो हम कह सकते हैं कि हार्ट बेसिकली होता क्या है। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, मसल से बना हुआ ऑर्गन होता है विच पंप्स ब्लड इन टू दी होल बॉडी। जिसका काम क्या होता है, पूरे जिस्म में ब्लड को सप्लाई करना होता है। ब्लड के साथ वो उसमें न्यूट्रिएंट यानी कि जो गजाइत होती है, हमारे विटामिंस वगैरह होते हैं और अमाइनो एसिड वगैरह होते हैं उनको, और गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जो है लंग्स के थ्रू बाहर निकालना होता है, और ऑक्सीजन को जो है हर सेल जो हमारी बॉडी का उस तक पहुंचाना होता है, ठीक है। ये दो चीजें जो बेसिकली होती है, और हार्मोन्स जो होते हैं इनको कैरी करते हैं। तो ब्लड की ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेशन का काम बेसिकली हमारा हार्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमने इसकी लोकेशन पढ़ी थी कि हमारी बॉडी में लोकेट कहाँ होता है। ये थोरेसिक रीजन में मौजूद होता है, स्टर्नम यानी कि जो हमारी चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन होती है, इसके पीछे बिटवीन टू लंग्स जो हमारे दोनों फेफड़े होते हैं उनके दरम्यान में मौजूद होता है। और इसकी कवरिंग जो होती है, रिब्स की कवरिंग जिसे हम रिब केज कहते हैं, या पसलियां जो होती हैं वो इसकी हिफाजत कर रही होती हैं, क्योंकि बहुत डेलिकेट होता है। नेक्स्ट आगे हमने इसका देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो बेसिकली हार्ट के जो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उसमें फोर पार्ट्स जो है आप लोगों ने मेंशन करने हैं। फर्स्ट जो आपने स्टार्टिंग से अगर देखी, जैसे हम किसी बॉडी को काटते हैं एनाटॉमी देखने के लिए उसकी, ठीक है, और उधर से हम हार्ट निकालते हैं, तो पहली जो स्ट्रक्चर बन जैसे जैसे स्ट्रक्चर आएगी उसको ही तरतीब से आप लोग लिखते हैं। सबसे पहले उसकी आएगी कवरिंग, कवरिंग यानी कि जिसमें वो पैक होता है। नेक्स्ट आती है उसकी वॉल ऑफ द हार्ट यानी कि दिल की दीवार जो होती है, और उसके बाद चैम्बर्स ऑफ द हार्ट यानी कि जो हमारे दिल के खाने होते हैं वो, उनको हम चैम्बर्स बोलते हैं। और उसके बाद हमारे लास्ट आते हैं वॉल्व्स ऑफ द हार्ट, वॉल्व्स यानी कि जो दरवाजे की तरह की साख्तें या स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको हम कहते हैं वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। कल के लेक्चर में हमने जो है चैम्बर्स को थोड़ा सा ओवरव्यू किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि बेसिकली फोर जो होते हैं वो चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के, टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स। जो एट्रिया होते हैं वो ऊपर वाले खाने होते हैं, सिंपल अगर हम कहें। जो वेंट्रिकल होते हैं वो हमारे हार्ट के नीचे वाले खाने होते हैं। एट्रिया क्या करते हैं, जिस्म से आने वाले खून को रिसीव करते हैं, और जो वेंट्रिकल होते हैं ये जिस्म से बाहर, दिल से जो है वो बाहर जिस्म को हमारे खून मुहैया कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमने लेफ्ट राइट टू पार्ट पढ़े थे। इसके आगे फिर हम फर्दर जो इसकी है जब वॉल्व पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे कि किस तरह से ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। आज जो हमने बेसिकली पढ़ना है, स्टार्ट करना है नेक्स्ट पॉइंट जिसको हमने डिटेल से देखना है, वो है कवरिंग ऑफ द हार्ट, ठीक है। कवरिंग, कवर मतलब क्या होता है, लेयर होती है जैसे झिल्ली होती है। हमारा हार्ट बहुत डेलिकेट होता है क्योंकि मसल से बना हुआ होता है, और इसके इर्द गिर्द क्या होती है, पसलियां होती हैं। तो उनसे बचाने के लिए कि जब वो धड़कता है, तो जब धड़कता है कभी कंट्रेक्शन हो रही होती है, कभी रिलैक्सेशन हो रही होती है, ठीक है। तो ताकि हमारे हार्ट को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके इर्द गिर्द एक लेयर होती है, एक तह होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह लें वो एक रैपर की तरह की जो, या एक लिफाफा या झिल्ली की तरह की जो होती है उसमें लिपटा हुआ होता है, ताकि जो हमारा हार्ट है उसको डैमेज ना हो सके, वो उसकी प्रोटेक्शन की जाए। इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। कार्डियम, कार्डिक कवर जो है वो हार्ट के लिए यूज होता है बायो में या मेडिकल साइंसेस में, ठीक है। तो जो जिस कवरिंग में हमारा हार्ट मौजूद होता है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। हम यूं कह सकते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है गलाफ में बंद होता है, जिसका काम क्या करना होता है, हमारे दिल की हिफाजत करना होता है, इसको हम पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। सो वी कैन से हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम। प्रोटेक्टेड मतलब हिफाजत की जाती है, यानी कि हमारे दिल की हिफाजत एक कवरिंग, इसको हम लेयर भी कह सकते हैं, यानी कि तह, कॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम इसका नाम होता है, इसकी
जरिए हमारे दिल की हिफाजत की जाती है। पेरिकार्डियम हैज टू वॉल्स, एक बैरूनी तय होती है गला जिसमें बना होता है, ठीक है, हार्ट मौजूद होता है जैसे हम बॉडी से निकालते हैं। आगे इसके भी दो रैपर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई गिफ्ट पैक लेते हैं कोई चीज, ठीक है, एक कवरिंग होती है उसके अंदर एक और कवरिंग होती है, ठीक है, तो दो तह होती हैं इसकी भी पेरिकार्डियम की। फर्स्ट को हम फिब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं और सेकंड को सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। जो फिब्रस पेरिकार्डियम है ये बेसिकली वो तह होती है जो बिल्कुल बाहर मौजूद होती है, जैसे हम हार्ट को निकालते हैं जो मौजूद होती है उसको हम फिब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। इसका काम क्या होता है, हमारे हार्ट को यानी कि हमारा जो दिल होता है इसको हमारे इर्द गिर्द के जो अजा होते हैं उससे जोड़ती है, यानी कि कनेक्ट करती है। ये फिब्रस पेरिकार्डियम सबसे बैरूनी तय होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है उसके अंदर मौजूद होती है उसे हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। सीरस पेरिकार्डियम की बेसिकली अंदर मजीद दो तहें होती हैं जिनके दरमियान में एक फ्लूइड या माया कहते हैं जिसे हम वो मौजूद होता है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है पेरिकार्डियम से, जिसका बेसिक पर्पज क्या होता है कि जब हार्ट जो है वो बीट कर रहा होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही होती है, तो हमारे हार्ट को रगड़ से उसने बचाना होता है, डैमेज होने से बचाना होता है वो फ्लूइड में, ठीक है। ये होगी सिंपल सा कि कवरिंग ऑफ हार्ट में क्या होता है कि एक जो होती है बेसिकली एक कवरिंग होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसको फर्दर हम दो तहों में डिवाइड करते हैं, फिब्रस और जो सीरस है। फिब्रस सबसे बैरूनी तह होती है जो कि दिल को जिस्म के बाकी हिस्सों से जोड़ती है, उसके अंदर सीरस होती है। सीरस के अंदर दो मजीद तहें होती हैं जिनके दरमियान में एक माया मौजूद होता है, जब दिल धड़कता है तो वो उसको फ्रैक्शन से या रगड़ से बचाना होता है। ये होगी इसकी सिंपल कवरिंग ऑफ द हार्ट। अगर हम सिंपल से डेफिनेशन देखें, अगर इसकी डायग्राम देखें तो इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा हार्ट पड़ा होता है, ये वाली जो चीज होती है इसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, इस तरह की तह में जो होता है वो मुंह होता है, लिपटा हुआ होता है, जैसे इस डायग्राम में ये वाली चीज, ठीक है, इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली डायग्राम, ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो ब्लू कलर की बाहर लेयर नजर आ रही है इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हिफाजती तय होती है हार्ट की, ठीक है, जैसे जिसम से निकालते हैं वही हमारी दिखती है, वही मौजूद होती है हार्ट की इर्द गिर्द, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके अंदर जो होता है फ्लूइड प्रेजेंट होता है या माया लिक्विड जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे हार्ट को जब ये रगड़ जो होती है फ्रैक्शन से बचाता है जब ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल ऑफ द हार्ट, दिल की दीवार जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वॉल, इस वॉल्व के स्पेलिंग, वॉल्व के स्पेलिंग से आप लोग ने अलग सेपरेट याद करने हैं, इस डब्ल्यू ए डब्ल्यू एल का मतलब होता है दीवार, जबकि वी ए एल वी ई वॉल्व वो दरवाजे की तरह के स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको वॉल्व कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है वॉल ऑफ द हार्ट, यानी कि दिल की दीवार। वॉल ऑफ द हार्ट कंसिस्ट थ्री लेयर्स, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास बैरूनी तय आ गई थी कवरिंग जिसे हमने गलाफ कहा था, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है दिल की दीवार। अब दिल की दीवार बेसिकली आगे मजीद तीन तहों से मुश्तमिल होती है, बनी हुई होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपी का मतलब होता है आउटर, बाहर की तरफ, और कार्डिक का वर्ड हार्ट के लिए यूज होता है, कार्डियम का वर्ड भी हार्ट से रिलेटेड या दिल से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर होती है उसके साथ कार्डियम लिखता है। एपिकार्डियम यानी कि आउटर लेयर, मायोकार्डियम जो मिडल लेयर होती है उसको कहते हैं। मायो का वर्ड मसल्स के लिए इस्तेमाल होता है, कार्डियम हार्ट यानी कि जो हार्ट के मसल होते हैं। हमारे जिस्म में बेसिकली थ्री टाइप के मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। इनकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में हम फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट अभी आपको इनके लेयर्स के जो है नेम याद रखने हैं। एंडोकार्डियम एंड से निकले, मतलब आप लोग अपनी आसानी के लिए याद रख लीजिएगा, एंड अंदरूनी तय जो होती है सबसे इनर लेयर, इनर, इनका मतलब होता है अंदर, ठीक है, अंदर की तरफ की जो होती है अंदरूनी तय होती है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। तो इनको देख लेते हैं, एपिकार्डियम जो होती है हमारी, पहले हमने पढ़ा है हार्ट का कि जो गुलाफ होता है पेरिकार्डियम, आगे उसके फर्दर टू लेयर्स पढ़ी है फिब्रस और सीरस।
सीरस के फौरन बाद जो पड़ी होती है वो सीरस जहां पे खत्म होता है उसके फौरन बाद है हमारे हार्ट की वॉल्व स्टार्ट हो जाती है, यानी कि दिल की दीवार मौजूद जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं, ठीक है, सपोज जैसे ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है, अगर इसको हम देखें, ये हमने जिस्म का जैसे जिस्म को काट के निकाला है हार्ट को, बाहर जो है इसके पेरिकार्डियम मौजूद होगी जो कि कवरिंग होती है। पेरिकार्डियम आगे मजीद होते हैं, वहां पर मुश्तमिल है सीरस और फिब्रस। जो फिब्रस है वो सबसे बाहर वाली है, सीरस अंदर वाली है। सीरस के फौरन बाद जो आती है वो एपिकार्डियम होती है, ठीक है, सीरस के फौरन अंदरूनी तह जो होती है एपिकार्डियम होती है। बेसिकली एपिकार्डियम का फंक्शन क्या होता है, एपिकार्डियम का कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता, इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं और कुछ टिश्यूज मौजूद होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसने अगली तह जो मायोकार्डियम होती है, मायो का मतलब मसल से बना होता है, कार्डियम हार्ट, यानी कि कार्डिक मसल्स की जो तह होती है उसको खून की सप्लाई देनी होती है, ठीक है, यही सबसे बड़ा इसका काम होता है। नेक्स्ट लेयर आती है मायोकार्डियम, मायो का मतलब मसल्स के लिए, यानी कि वो लेयर दीवार दिल की दीवार की वो तय जो कि हार्ट मसल से बनी होती है। मसल्स की प्रॉपर्टी होती है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन का मतलब होता है सुकड़ना, रिलैक्सेशन का मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो इस तरीके से बार बार कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो हमारा दिल जो है वो धड़कता है। इसलिए जो एपिकार्डियम के फौरन बाद मायोकार्डियम आती है, ये सबसे मोटी तय होती है क्योंकि इसमें हार्ट मसल्स या कार्डिक मसल जिसे हम कहते हैं वो मौजूद होती है, और मसल्स इन्हीं की वजह से, इस तय की वजह से हमारा दिल जो है वो खून को पंप कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि मसल्स की प्रॉपर्टी है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है या धड़कता है दिल हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है अंदर की तरफ जो होती है मायोकार्डियम से अंदर की तरफ आता है एंडोकार्डियम। ये वो तय होती है जो हमारे दिल के खाने अंदर के बना रही होती है, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं समराइज कर देती हूँ आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने आज कवर किया है कवरिंग ऑफ द हार्ट एंड द वॉल्व ऑफ द हार्ट, जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। चैम्बर्स में हमने पढ़ा था कि 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, और जो हमने कवरिंग ऑफ द हार्ट पढ़ा है इसमें हमने पढ़ा है कि हमारे हार्ट की जो होती है बेसिकली कितनी कवरिंग होती है, एक कवरिंग होती है पेरिकार्डियम, आगे इसकी फर्दर जो होती है डिविजन्स होती है या टू वॉल्व हम कह सकते हैं, जिसका नाम है फिब्रस एंड सीरस। इसके बाद हमारे पास होता है फिब्रस सबसे बैरूनी होती है और सीरस उसके अंदर वाली होती है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्व ऑफ द हार्ट, इसमें भी हमने 3 लेयर्स पढ़ी है इसकी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जो कि हमारी नेक्स्ट लेयर यानी कि मायोकार्डियम को ब्लड की सप्लाई कर रही होती हैं। मायोकार्डियम बेसिक लेयर होती है, हार्ट की दीवार होती है, दिल की दीवार जो कि धड़कती है, जिसकी वजह से दिल जो है वो खून को पंप करता है जिसम के बाकी हिस्सों में। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंडोकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम अंदर वाली तय होती है जो दिल के खाने में आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।